बात नहीं, तो हम क्या फाइंड करने वाले हैं? मैग्नेटिक फील्ड एट एट ए पॉइंट ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग थिन कंडक्टर, इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग थिन कंडक्टर। हालांकि इसकी ये वाला फॉर्मूला ड्राइव करने का एक दूसरा तरीका है बिना एम्पियर सर्क्यूटल लॉ के, लेकिन कोई बात नहीं, एम्पियर सर्क्यूटल लॉ से भी इसे प्रूव कर सकते हैं। एम्पियर सर्क्यूटल लॉ से प्रूव करेंगे, कैसे प्रूव करेंगे? बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल सिंपल। ये एक आपका करंट कैरिंग कंडक्टर है, इनफाइनाइटली लॉन्ग है, दिस इज इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर। देयर इज अ पॉइंट, पॉइंट पी एट डिस्टेंस आर फ्रॉम द कंडक्टर इन फ्री स्पेस, हम फ्री स्पेस की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो पॉइंट पी से पास होते हुए हमने क्या कंसीडर करना है? एक एम्पीरियन लूप कंसीडर करना, दिस इज एम्पीरियन लूप पासिंग थ्रू पॉइंट पी, करेक्ट। फिर क्या करना है? यहाँ मैग्नेटिक फील्ड हम फाइंड करेंगे, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर। कैसे मैं बनाऊँ मैग्नेटिक फील्ड को? बनाऊँ मैं मैग्नेटिक फील्ड को बनाऊँ रेड से। मैग्नेटिक फील्ड दिस इज बी वेक्टर, और कैसा है ये? परपेंडिकुलरली इन टू द प्लेन। और यही फिर मैं छोटा सा एक करंट एलिमेंट पी के अराउंड कंसिडर करूंगा, डी एल वैक्टर। ये भी क्या है? इट इज ऑल्सो परपेंडिकुलरली इन टू द प्लेन, ठीक है। तो हमने क्या करना है? वही कंसिडर सर्कुलर एम्पीरियन लूप पासिंग थ्रू पी, ठीक है। तो फिर इंटीग्रेशन बी डी एल इज इक्वल्स टू क्लोज इंटीग्रेशन बी डी एल कॉस थीटा, और सिंस बी वेक्टर पैरेलल डी एल वेक्टर थीटा इक्वल्स जीरो, तो फिर क्या बचा? फिर बना इंटीग्रेशन बी डॉट सॉरी बी डॉट डी एल इज इक्वल्स टू व्हाट? इंटीग्रेशन बी डी एल। फिर हम क्या लिखेंगे? पुरानी कहानी, ड्यू टू सिमेट्री ऑफ एम्पीरियन लूप बी इज कॉन्स्टेंट ऑल ओवर इट, ठीक है। हेंस इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल इज इक्वल्स टू बी इंटीग्रेशन डी एल, और डी एल डी एल जोड़ते जोड़ते क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 2 पाई आर, ठीक है। ये तो मैथमेटिकली फाइंड करा हमने, लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर द क्लोज लूप, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर द क्लोज लूप कितना आया? बी इंटू 2 पाई आर। अब वो लगा देंगे बाय एम्पियर सर्क्यूटल लॉ। एम्पियर सर्क्यूटल लॉ से क्या होता है? इंटीग्रेशन बी डी एल इज इक्वल्स टू व्हाट? म्यू नॉट आई। ये इंटीग्रेशन बी डी एल है मैथमेटिकली, ये इंटीग्रेशन बी डी एल है कैसा? एम्पियर सर्क्यूटल लॉ से है तो दोनों एक ही के ऊपर, तो इसलिए बी इंटू 2 पाई आर इज इक्वल्स टू व्हाट? म्यू नॉट आई। हेंस बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 पाई आर टेस्ला। और वेक्टर फॉर्म में बी वेक्टर इक्वल्स म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर
परपेंडिकुलरली इनटू द प्लेन, टेस्ला भी लगेगा यहाँ, और ये आपका नेट मैग्नेटिक फील्ड आ गया ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग थिन करंट कैरिंग कंडक्टर इन फ्री स्पेस। बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, सिंपल है, छोटी सी डेरिवेशन है, लेकिन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर ये एग्जाम में पूछी जा रही है, अक्सर एग्जाम में पूछी जा रही है, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। इसमें बिल्कुल भी आप वो ना करें, ठीक है, छोटी सी डेरिवेशन है, बिल्कुल छोटी डेरिवेशन है, लेकिन बहुत आ रही है एग्जाम में, खूब आ रही है एग्जाम में, दो नंबर में बढ़िया डेरिवेशन है, और कुछ करने के लिए इसमें है ही नहीं, साफ बिल्कुल साफ साफ बिल्कुल 2 मार्क्स आपको बिल्कुल साफ साफ मिल जाएंगे। सिंपल है, सिंपलेस्ट एप्लीकेशन है ये एम्पियर सर्कुलर लॉ का।